स्पाइट का भी एंड इन स्पाइट ऑफ इसका भी मतलब होता है के बावजूद. क्लियर? ये दोनों जो है डिस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ ये बिकॉज या ड्यू टू के ऑपोजिट होते हैं. बिकॉज और ड्यू टू का प्रयोग जो होता है वो दो समान चीजों को जोड़ने के लिए होता है. जिस तरह से ही वर्क हार्ड एंड पास्ट, ही पास्ट बिकॉज ही वर्क हार्ड. क्लियर? उसी तरीके से डिस्पाइट एंड इन स्पाइट का यूज होता है दो विपरीत चीजों को जोड़ने के लिए. हम इन दोनों को अलग अलग के तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे, अलग अलग लेवल के हिसाब से. पहले हम इसको पढ़ते हैं बिगिनर्स के लिए, जो शुरुआत कर रहे हैं, जो ट्रांसलेट करना चाहते हैं, जो स्पोकन इंग्लिश में इनको यूज करना चाह रहे हैं, उनके लिए हम हिंदी में लिखते हैं, उसका ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, फिर इंग्लिश में लिखते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में. पहला सेंटेंस है, उसकी कठिन मेहनत के बावजूद वह परीक्षा में फेल हो गया. इसका होगा डिस्पाइट हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड द एग्जामिनेशन. हार्ड वर्क किया लेकिन फिर भी क्या हो गया, फेल हो गया. देखो है ना ऑपोजिट चीजें. हार्ड वर्क कर रहा है इसका मतलब पास होना चाहिए था, लेकिन डिस्पाइट का जो यूज होता है वो दो ऑपोजिट चीजों को जोड़ने के लिए होता है. इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड द एग्जामिनेशन. मैं आपको बता रहा दोनों में डिफरेंस क्या है. डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ में सिर्फ और सिर्फ ऑफ का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है. मीनिंग दोनों का सेम है, सिर्फ ऑफ का डिफरेंस है. इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड द एग्जामिनेशन. हम स्पोकन इंग्लिश में इस फ्रेज को बहुत यूज कर सकते हैं, उसके बावजूद ऐसा हो गया, मेरे इतना काम करने के बावजूद ऐसा हो गया. इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट्स आई कुड नॉट मेक गुड फ्रेंड्स. ये भी हम सेंटेंस यूज कर सकते हैं, मेरी मेहनत के बावजूद, मेरे हार्ड वर्क के बावजूद, मेरे बहुत प्रयासों के बावजूद. इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट्स, इन स्पाइट ऑफ माई हार्ड वर्क, ये हम लिख सकते हैं. दूसरा सेंटेंस और देखते हैं, खराब मौसम के बावजूद वह पार्टी में गया. ऐसा ही सेंटेंस है, He went to the party. गया past tense है. He went to the party despite the bad weather. इसके बावजूद, खराब मौसम के बावजूद वह पार्टी में गया. हमने किसका यूज कर दिया, despite का यूज कर दिया. इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, He went to the party in spite of. He went to the party in spite of bad weather. खराब मौसम के बावजूद. मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ कि इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट में जो डिफरेंस है बेसिकली वो सिर्फ ऑफ का डिफरेंस है, बाकी मीनिंग में दोनों लगभग समान है. क्लियर? एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम इसका. चोट के बावजूद वह अच्छा खेला. ही प्लेड वेल डिस्पाइट एन इंजरी. चोट के बावजूद भी अच्छा खेला. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही प्लेड वेल In spite of an injury. In spite का भी use कर लिया. ये था इसका पहला लेवल. बच्चों को ट्रांसलेट कैसे करें बच्चे हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में. हम इंग्लिश से हिंदी में भी कर सकते हैं. Despite his hard work, he failed the examination. Hard work के बावजूद एग्जाम में फेल हो गया. He could not get through the examination. अब हम इसका दूसरा लेवल देखते हैं. जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं, जो बच्चे सेकेंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, जो बच्चे रीड की तैयारी करते हैं, उनको क्वेश्चन पूछा जाता है जिस तरह से इस वर्ड को अंडरलाइन करते हैं और पूछते हैं विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड. ये वर्ड जो है अंडरलाइन किया हुआ है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो मैं आपको बता दूं, ये प्रेपोजिशन है. इन स्पाइट ऑफ भी और डिस्पाइट भी क्या है, प्रेपोजिशन है. क्लियर है? ये पूछा जाए तो आप और हम बता देंगे कि क्या है प्रेपोजिशन. क्लियर? अब हम इसको थोड़ा सा और लेवल पे लेके जाते हैं. जब भी बच्चे एसएससी, बैंकिंग, एफओस, नेवी के लिए एग्जाम देते हैं तो उनके पास क्वेश्चन आता है कॉमन एरर का. कॉमन एरर का क्वेश्चन कैसे आता देखिएगा, वो लिखते हैं डिस्पाइट ऑफ, ऐसा लिखाता है, डिस्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड द एग्जामिनेशन. ये एरर है, डिस्पाइट शुड नॉट बी फॉलोड बाय ऑफ. इसके बाद ऑफ नहीं आना चाहिए, कभी भी नहीं आना चाहिए. यही एरर आता है डिस्पाइट ऑफ. अक्सर एरर आता है, पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो अक्सर पूछा हुआ है ऐसा, ये नहीं आना चाहिए. ये क्या है, इसमें एरर है. डिस्पाइट ऑफ
ये गलती है, ये कॉमन एरर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या देते हैं वो, इन स्पाइट के बाद में ऑफ नहीं देते हैं, ये भी एरर है। क्या आना चाहिए ऑफ, आना ही आना चाहिए, नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। कई बार हमने देखा क्या होता है, इन स्पाइट दैट आ जाता है, ये बिल्कुल गलत है। क्या होना चाहिए, इन स्पाइट ऑफ होना चाहिए। ये था उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। यहां से एक क्वेश्चन अक्सर आता है कॉमन एरर में। अब हम इसको तीसरे लेवल पे लेके चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम आपको इसको दो तीन चीजों में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं फेनेटिक्स में, कौन से वर्ड का सही फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है, सही प्रोनंसिएशन क्या है। देखिए एक वर्ड था इसमें, पहला वर्ड था डीईएसटीआईटी, उसको हम कह सकते हैं डिस्पाइट होता है, अक्सर इसको हम डिस्पाइट बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। इसका ट्रांसक्रिप्शन ये है, ये देखो ड है और फिर ई की मात्रा है, सैडिस्पाइट। इसमें जो स्ट्रेस लगता है वो कहां लगता है, से पे लगता है, या फिर यहां पे ट्रांसक्रिप्शन में लगाएंगे तो यहां लगता है, ठीक है। दूसरा वर्ड था ई एक्स ए एम आई एन ए टी आई वन, इसको हम एग्जामिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एग्जामिनेशन, ई गे जे आई की मात्रा, एग्जामिनेशन, ठीक है, ये इसका सही ट्रांसक्रिप्शन है, एग्जामिनेशन। तीसरा वर्ड था, ये जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनमें कंफ्यूजिंग वर्ड्स आते हैं, किसी भी पटवारी की कर लो, चाहे किसी की भी कर लो, एलडीसी वगैरह की कर लो, पटवारी में तो पता नहीं इंग्लिश आती है नहीं आती है, लेकिन एयरफोर्स नेवी एनडीए एसएससी सब चीजों में आता है। तीन वर्ड देखो एक जैसे, पहला वर्ड है डब्ल्यू ई ए टी एच ई आर, ये क्या था भाई, वेदर, इसका सही ट्रांसक्रिप्शन है वेदर, वेदर ये नाउन है और इसका मतलब होता है मौसम। अभी हमने पढ़ा he went to the party in spite of bad weather, ठीक है। दूसरा वर्ड होता है w i t h e r, इसका सही ट्रांसलेशन है विदर, इसमें ए की मात्रा विदर और ये एक वाब है, क्रिया है, जिसका मतलब होता है कमजोर पड़ जाना, मुरझा जाना, the leaves withered away। उसी तरीके से वेदर w x e t h e r, इसका भी सही ट्रांसलेशन होता है वेदर, जो कि इसका भी है वेदर का भी, वेदर वेदर दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन ये कंजंक्शन है। कई बार हम नरेशन में इफ की जगह क्या लिखते हैं, वेदर लिखते हैं, वो कंजंक्शन है और उसकी स्पेलिंग होती है डब्ल्यू एच ई टी एच ई आर। इस तरीके से आज हमने दो वर्ड पढ़े, डिस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ। थैंक यू।